मेरा नाम सुखविंदर सिंह, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, तहसील कर्णपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी मेरे साथ आई है, इनके घुटनों में प्रॉब्लम थी, लगभग 10-12 साल से प्रॉब्लम थी। हमने पहले कहीं बहुत से जगह से अस्पतालों से इनका इलाज करवाया, दवाई ली, लेकिन कहीं कोई हमको समस्या का हल नहीं हुआ। फिर हम जहाँ गिनी देवी हॉस्पिटल में आए और जहाँ हमने इनका ऑपरेट कराया, और जो ऑपरेट हुआ वो बहुत बढ़िया अच्छा रहा। रिस्पॉन्स जो मिल रहा है बहुत बढ़िया मिला है, और जहाँ कोई डॉक्टर है हम स्पेशल उनका थैंक्स करना चाहते हैं, और पूरे स्टाफ का जो उनका व्यवहार है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा स्वभाव है, और हमें करते ऐसे कर सोचते हैं कि जो भी और भी कोई आए तो जहीं आके अपना इलाज करवाए, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि इससे बढ़िया इलाज और इससे बढ़िया जो मान सम्मान हॉस्पिटल में मिला स्टाफ की तरफ से वो कहीं और नहीं मिल पाएगा। मैं आपको बताता हूँ, यही सेम प्रॉब्लम इनको नहीं थी, मेरे को डर था। इनको तो हमारे रिलेटिव जितने भी पहले ऑपरेशन वगैरह यहीं से हुए, 5-7 हो गए हैं, सब बढ़िया है। लेकिन मेरी जो मैं किसान यूनियन के नेता होने के नाते जो बात से मैं मिला, तो जितने मेरे को मिले उन्होंने यही बोला कि आप जो गुटों के रिप्लेसमेंट मत करवाइए, क्योंकि हमारे जिसने करवाया था वो घर बैठ गया, हमारे ऐसे बड़ी दिक्कत आई है। मैं भी डरता था, हमने पहले जो भी इससे पहले जितना भी इलाज करवाना था जो भी हमारे पास ऑप्शन थे सभी किए, अब इसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था तो जानना पड़ा। लेकिन अब हम ये महसूस करते हैं कि हमने जो आज 10-12 साल कष्ट झेला है वो हमारी गलती से झेला है, जो आज के क्यों हम पहले क्यों नहीं करवा लिया, हम उस अपनी गलती को महसूस करते हैं। और जो बीमारी है उसका इलाज बना है, इलाज होता है, अब हम भी उस बात को मानते हैं ना, हो गया बढ़िया हो गया, ये तो बात माननी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक मानसिकता रहती है जिससे नहीं करवाना वो डर तो उसको लगता ही है। जैसे इनको जितने मिले उन्होंने क्यों नहीं करवाते, अब क्यों दर्द झेल रहे, और मेरे को जितने मिले उन्होंने कहा मत करवाना, क्या करें। जिस बात का हमें नॉलेज मिलता है वो जो बोलता है उसके हम विश्वास करते हैं। हमने तो यही सोच ऑपरेशन करवाने आए थे, हम यही जब डॉक्टर से मिले थे तो हमें ये विश्वास हो गया कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बढ़िया है। हमारे जब हम आए हमें कोई चिंता नहीं थी उस टाइम, और जैसे जिस दिन ऑपरेशन थिएटर में 11:30 बजे वो ICU में ले गए, तो शाम को 3-4 बजे तो इनका राउंड उन्होंने लगवा दिया था, तो उसके आगे से नॉर्मल तो वे चल ही रहे हैं। लेकिन ठीक है, मानते हैं जो ऑपरेट तो ऑपरेट ही होता है, 10-15 दिन जो है वो है, लेकिन उसके आगे जो 10 साल दर्द झेला है उसके मुकाबले तो जो कुछ नहीं है। यही होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। बीमारी कोई भी है उसका इलाज संभव है, आप घबराइए मत, अपना इलाज करवाइए। जिंदगी है तो जीवन है, स्वास्थ्य है तो जीवन है। मैं तो जहाँ से सीधा शिमला जाने का प्लान था, लेकिन मौसम खराब है इसलिए बरसात बढ़ रही है, आप भी न्यूज देख रहे हो, तो मैंने कहा घुटने ठीक हो गए हैं, कहीं फिसल की तो पूरी की पूरी ना खोलूँ, इसलिए एक बार जहाँ हम आए हमें यही नहीं हम लगता कि हम होटल में हैं, हमें तो यही लगता हम घर में आए। डॉक्टर साहब का और पूरे स्टाफ का जो वो आ रहा है, और अभी मेरी 10 मिनट पहले जहाँ बैठे बात हो रही थी भी, हम आपको यही है कि ठीक है हम चले जाएंगे, बाद की बात बातें हैं, आप हमें भूल जाएंगे, लेकिन जितने दिन हमें अपन लग रहा है आप हमारे परिवार के मेम्बर, हम आपके परिवार में बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। गल ये भी पंजाबी मित्रों, थोड़ा मैं पंजाबी दे मेरी गल कहनी समझ नहीं आती। मैं गंगानगर किसान यूनियन का प्रधान हूँ GKS कौर, मैं तुहानू सारे दसना चाहना भी तुसी ये जो भी बीमारी है यदा हरेक मरीज का हल हुंदा आ, तुसी डरियो ना, घबरायो ना, बीमारी कोई भी जिंदगी दे नाल दुख सुख ऑप्शन है, दुख सुख ही जिंदगी का नाम है, तो किसी का तुसी डरना नहीं, घबराना नहीं। कोई बीमारी है डॉक्टर ना मिलो, सलाह मशवरा करो और इलाज कराओ, डरन की जरूरत नहीं, डर के आगे जीत है।